वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको पद जो हैं जिसमें उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, इस पद के मैं आज आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ और सूर सागर से ये लिए गए हैं। सूरदास के द्वारा रचित हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि ये भ्रमर गीत से चार पद यहाँ पर लिए गए हैं। ये पद किस लिए लिखे गए हैं, किस आधार पर लिखे गए हैं? कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौट करके उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि कृष्ण के जो संदेश वाहक थे उनका नाम यहाँ पर उद्धव है, जो शुरुआत में ही आपको एक वर्ड दिखेगा उद्धव, यहाँ पर गोपियाँ जिसे संबोधित करती हैं। तो उद्धव ने इनको संदेश ला करके दिया कि अब आप योग का ग्रहण करें, योग को ग्रहण करें और कृष्ण के प्रेम को भूल जाएं। तो निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश लेकर के वो आते हैं और वो चाहते हैं कि गोपियों की विरह वेदना क्या होती है, जब वो कृष्ण से प्यार करती थी और उनसे बिछुड़ गई तो उनके जब जाने के कारण उन्हें विरह यानी बिछुड़न की वेदना व्यथा जो थी, उनका दुख था बिछुड़ने के कारण, उसे शांत करने का प्रयास किया उद्धव जी ने। लेकिन गोपियां जो हैं वो यहाँ पर ज्ञान मार्ग पर चलना नहीं चाहती हैं, वो उन्हें नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो प्रेम के मार्ग पर चलना पसंद करती हैं कन्हैया के। और इसलिए उन्हें उद्धव का संदेश कैसा लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो उल्हाना देने लगी, तरह तरह से उद्धव जी को उल्हाने देते हुए उनकी तुलना कभी किसी से करती हैं, कभी तेल लगी हुई गगरी से करती हैं, कभी पुरीनिपात यानी कमल के पत्ते से करती हैं। ये जो संदेश है उन्हें बिल्कुल शुष्क नज़र आया यानी सूखा, और जब वो ऐसे कर रही थी तो जब संदेश लेकर उद्धव जी आए तो वहाँ पर एक भौंरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है, क्योंकि भ्रमर गीत का तात्पर्य ही भौंरा होता है। और उस भौंरे के बहाने को लेकर के गोपियाँ उद्धव जी पर व्यंग्य वाण छोड़ती हैं। पहले पद में गोपियों की जो शिकायत है कि जो है वो शिकायत करती हैं कि आप तो कभी भी कृष्ण के स्नेह में बंधे ही नहीं, धागे से बंधे ही नहीं, तो आप कैसे विरह की वेदना को समझ लेंगे? अगर आपके पास प्रेम होता तो आप समझते कि हम कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। दूसरे जो पद में वो ये कहती हैं कि हमारे मन की इच्छाएँ जो थी हमारे मन में ही रह गई, यानी कि हम तो चाहते थे कि जब कृष्ण आएंगे तो हम अपने प्रेम की गहराई को उन्हें बताएंगे कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे तो मन की अभिलाषा मन में ही रह गई, हमारी इच्छा जो थी वो मन में ही रह गई। तीसरे पद में वो उद्धव जी को कहती हैं कि योग साधना तो कड़वी ककड़ी जैसा है, और कड़वी ककड़ी जैसा बता करके कहती हैं कि हम तो इस कड़वी ककड़ी को खाना नहीं चाहते हैं, और हमारा तो एक निष्ठ प्रेम है, यानी कि हम तो एक ही व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसे कभी भी त्याग नहीं कर सकते हैं। चौथा जो पद है उसमें फिर से वो ताना मारती हैं कि कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है, यानी कि अब वो तो राजनीति के ज्ञाता हो गई हैं, अब उन्हें प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। अंत में फिर वो उद्धव जी को प्रजा का हित याद दिलाती हैं और इसके जरिए ही, गोपियों के जरिए यहाँ पर सूरदास जी जो हैं यहाँ राजा के कर्तव्य के बारे में भी बात करते हैं। इस पाठ की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन अन्य वीडियोस में बताई है, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को चेक कर सकते हैं अगर आपको इसकी व्याख्या की ज़रूरत है। और अगर आप इस पाठ के हर पद की व्याख्या पढ़ना चाहते हैं
तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। जब भी आप कमेंट करें किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो आप उस चैप्टर का नेम ज़रूर बताया करें। अगर आपको यहाँ क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं तो मैं वो भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ इसमें। तो आप मुझे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।